यार टीवी के एक्टर्स जो है ना बड़े ही मल्टी टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब कुशल टंडन को ही ले लीजिए, एक्टर तो कमाल के हैं ही, लेकिन साथ में अब इन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया है, पार्टनरशिप में एक रेस्टो बार की शुरुआत की है। तो चलिए चलते हैं और देख कर आते हैं कि किस तरह कुशल के दोस्त और ढेर सारे सितारे पहुंचे उनको ऑल द वेरी बेस्ट कहने। लोग ये सोचते हैं कि एक एक्टर एक्टिंग करने के अलावा और क्या क्या करता है। अब तक तो हमने ऐसे कई एक्टर्स को देखा है जिनका काम एक्टिंग के अलावा कुछ और भी होता है, जैसे कोई बिजनेस करता है तो कोई खुद का रेस्टोरेंट या फिर कुछ और काम करता है। कुछ ऐसी ही राह पर आप खुशाल टंडन भी चल पड़े हैं। छोटे पर्दे पर बेहद शो करने के बाद वो नजर आएंगे अब एक वेब सीरीज में। इसके अलावा उन्होंने काम का एक दूसरा रास्ता भी ढूंढ लिया है। आज खुशाल टंडन सैर करवाएंगे खुद के रेस्टो बार की, जिसका लॉन्च है। आप हैं सरप्राइज है, यू गाइस आर देयर एट अबर 28। इट्स माय ड्रीम बेबी जो हम एक साल से बनाने की ट्राई कर रहे हैं। इट्स बीन 1.5 इयर्स एंड आई एम गोना गिव यू अ लिटिल टूर टू अबर 28। स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ओके लेट्स गो। This is the main entrance, and that's the VIP section. This is all the hand paintings you can see. ये सारी hand paintings हैं, ये देख रहे हैं। This we have the beautiful bar. Please pan. मेरे दोस्त फैमिली फ्रेंड्स एम टी आर ग्रुप एंड उनका एक रेस्टोरेंट है लखनऊ में एंड दे हैव मल्टीपल बिजनेस। जब उनको कॉल आया कि दे वांट स्टार्ट इन बॉम्बे एंड डू आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड इन्वेस्ट इट, आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज फूड एंड इंडस्ट्री गोज हैंड इन हैंड एंड मुझे होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। Hanuman ji and Lakshmi ji, so they're always there next to me. You know that I'm a very God-fearing person, so I have to have God next to me. और आज यहाँ पर खुशाल के तमाम दोस्त आने वाले हैं। इनिया और क्रिस्टल से तो खूब पुराना रिश्ता है खुशाल का। क्यों खुशाल? I've heard so much about Arbor 28, and of course it's by Khushal. So my Devar. So I'm very very excited to check it out. I've seen so many photos and seen the place looks lovely. मैं मिलती रहती हूँ, I think उसके गणपति पे भी I had gone, so इसलिए मैं I think मैं उसके घर पे जाती रहती हूँ हर साल गणपति में। गणपति के शर्म लिहाज इज्जत कुछ नहीं है इसके पास, so it's all right and I don't expect anything, but yeah. कृतिका सेंगर और उनके पति निकेतन धीर भी आए और आते ही कृतिका ने क्या कहा जरा वो भी तो सुन लीजिए। अब कृतिका सेंगर चाहती हैं कि खुशाल शादी कर ले। खुशाल को मैं जल्दी से बोलूंगी कि वो शादी कर ले। बिल्कुल करूँगा, जब मुझे कृतिका ऐसी लड़की मिल जाएगी भाई जैसी भाभी मैं शादी कर लूंगा। अब जरा पीछे मुड़ के देखिए, आ गए हैं इंडोनेशिया के शाहरुख खान यानी कि शहीर शेख। अरे भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद खुशाल कह रहे हैं। इंडोनेशिया शाहरुख खान
इन दोनों बैचलर्स को देखकर हमने भी वही सवाल पूछा कि भाई आप दोनों शादी कब कर रहे हैं, अब क्या करें। कृतिका ने इस मौके पर शादी की बात जो छेड़ दी है, कर ले करेगा मैं कर लूंगा, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है शायद शादी किसने कर रहा है। अच्छा पीछे पीछे रवि दुबे भी आए अपने गैंग के साथ। अब इस लॉन्च में रवि और निया टकराए तो भाई हमसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं। हम फाइनली नहीं मिलते, हम हर बार मिलते हैं। और मुझे इसकी नई गाड़ी में आज बैठना है, इसलिए आज तो मैं इसको छोड़ने वाली हूँ नहीं। जहाँ निया बोलेगी निया है, जहाँ खाली होगा और जहाँ पे वी कैन जस्ट वो मुझे चलाने नहीं देगा, बहुत बदतमीज़ है, ले जा तो जहाँ तू लोनावला लेके जा। अब खुशहाल को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए देखिए बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला भी पहुँचे, लेकिन आपको बता दे सिद्धार्थ यहाँ पर सबसे लेट पहुँचे। क्या बात है सिद्धार्थ, आजकल आप है कहाँ? हम तो कई दिनों से चाह रहे हैं कि आपसे मिले, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। खैर कोई नहीं, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अब आगे देखिए कौन आ रहा है, एक क्रिकेटर हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या ने हाल ही में सगाई कर ली थी, उसके बाद वो अब नजर आए। अब जाते जाते खुशहाल टंडन को हम उसके इस रेस्टो बार के ओपनिंग की एक खूब सारी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके इस रेस्टो बार में हम भी जल्द से जल्द शूट करें। फिर मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।